सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने यूज़र हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देखते हैं आज हम किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हो मेरे पास दो बॉक्स पड़े हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं गोडॉक्स V1। कैनन, जरूरी नहीं कैनन, आपका कोई भी ट्रिगर हो उस पर चलेगी। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर रहे हैं गुजरात फोटो गुड्स, गांधी रोड अहमदाबाद, विनोद लाल मयानी। अगर आपको कोई भी कैमरा से रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी कुछ भी एनीथिंग, उनका नंबर आपको बाजू में मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी चाहिए ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी, वो आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पर अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आज हमें मिली है वहाँ से एक लाइट फॉर रिव्यू के लिए। तो ये लाइट है गोडॉक्स V1 फॉर कैनन। बट जैसे मेरा पर्सनल यूज़ करने के बाद मुझे पता लगा कि ये खाली कैनन फुजी सोनी नाम के लिखते हैं ये। अगर आपके पास कोई भी ट्रिगर हो ये सिंक हो जाएगी, सेम वो ही काम करेगी जो आपका ट्रिगर है। तो सबसे पहले जो मोटा मोटा सा इन्होंने बॉक्स पर लिखा है वो है सबसे पहले तो 2 ईयर वारंटी, उसके बाद 76 वोट पावर, 480 फ्लैशेस। हाँ अगर इसकी बैटरी पूरी फुल है तो आपको 480 शॉट्स 1x1 पे मिलेंगे। 1.5 सेकंड का रिसाइकल, मतलब कि 1x1 पे एक शूट किया तो अगली 1.5 सेकंड के बाद आपकी फ्लैश दोबारा से रेडी होगी शॉट के लिए। और बाकी ट्रिगर है इनबिल्ट, TTL है 8000 हाई स्पीड, आपकी 1/8000 शटर स्पीड के ऊपर भी ये प्रॉपर काम करेगी। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्मल फ्लैश यूज़ करते हो, आप जब भी मोर देन 200 जाते हो तो होता क्या है कि आपकी फ़ोटो पे ब्लैक स्ट्रैप्स आ जाते हैं, आधा वाइट होगा आधा ब्लैक होगा। बट इस फ्लैश में आप 8000 पे भी फ़ोटो खींचोगे तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड कर्टन सिंक भी है, स्लेव मोड भी है, मास्टर भी है, जूम फैसिलिटी भी है। अगर आप TTL यूज़ कर रहे हो तो TTL में होता क्या है कि आपके लेंस के थ्रू जो फ्लैश में ट्यूब होती है वो ट्रैवल करती है। बट अगर आप इसको मैनुअल यूज़ कर रहे हो ट्रिगर पे M मोड पे, तब आप इसको सेट कर सकते हो 28 से 105 mm के बीच में, जो भी आपका दिल चाहे। 2600 mAh की बैटरी, 330 रोटेशन, गजब है। और LCD इसमें है। दूसरा इसके साथ में एक बॉक्स है, इसको बाद में खोलते हैं, चलो पहले खोलते हैं गोडॉक्स V1। पैकिंग अच्छी है, मजबूत है। कैसे कैसे बंद करके रखते हैं, वाह वाह
सबसे पहले उठाते हैं ये। काफ़ी अच्छी पैकिंग है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और ये वाह। अगर आपको बेल्ट में यहाँ पे टाई करना है तो आप इसको यहाँ अंदर से लेके चिपका सकते हैं। डबल साइड वेक्ट्रो है तो ये उतरेगा भी नहीं, आपका काफ़ी मजबूत रहेगा। इसके अंदर से निकलती है हमारी फ्लैश, वाह गोल फ्लैश, आपने पहले भी देखी होगी ऐसी फ्लैश, शायद प्रो फोटो कंपनी की आती है। पर्स को टक्कर दिए जनाब, V1 एकदम राउंड लोक पैटर्न। जो ये लोक पैटर्न है, आप सब अगर कभी किसी ने कैनन की जेन्युइन फ्लैश यूज़ करी है ओरिजिनल, तो ये लोक पैटर्न उसमें आती थी। ये काफ़ी सॉलिड होती है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि आपको लेफ़्ट साइड टर्न करना है या राइट साइड, बस जस्ट आपको बटन प्रेस करना है देन लॉक। उसके बाद ये आपके कैमरे से कभी भी नहीं उतरेगी जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे। LCD पैनल, अब इसको रखते हैं साइड में क्योंकि ये बीच में से मुझे ख़राब लग रही है, शायद कोई दूसरी आ जाए। पर बॉक्स इतना बड़ा नहीं है, ये हमारा कोई भी चीज़ ले लो, सब में बहुत सिंपल चार्जर आ रहे हैं। मतलब कि वो डिपेंड करता है आपकी USB केबल पे, ये नॉर्मल आपका USB अडेप्टर है तो ज़रूरी नहीं। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूरी है, कितनी आपको आउटपुट देता है। ये आपको देता है 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर। ये वाह, ये छोटा सा आपको दिख रहा है कुछ, और इधर इसमें सी टाइप मतलब आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी आप कोई भी मोबाइल लोगे या कोई भी लैपटॉप लोगे नया अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का, तो सब ने अपने जो पुराने चार्जिंग के स्लॉट थे सब निकाल के सी टाइप पर आ गए हैं। उसी की वजह से सी टाइप केबल भी है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे मोबाइल का भी सी टाइप चार्जर है। मैं जहाँ भी जाऊँगा मोबाइल का चार्जर साथ रहेगा, तभी मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। चार्जर का नाम है गोडेक्स VC26। ओह, ये आई काम की चीज़, ब्लैक बिस्किट, जिसे खा के फ्लैश को ताकत मिलेगी। अच्छी लग रही है एकदम स्ट्रेट। DC 7.2 वोट लिथियम बैटरी, आग से दूर रखो, पानी में नहीं डबोनी तो ख़राब हो जाएगी। ये इसका चार्जर, हाँ प्लस टू प्लस, यहाँ सी टाइप लगाओगे तो आपकी चार्ज हो जाएगी, पर चार्ज तब करनी है जब ये डाउन हो जाए, मतलब पहले इसको यूज़ करना है। अभी आप ये देख रहे हो टूटी हुई फ्लैश, इसको पूरा करेगी ये बैटरी। तो अब हम ये, इसमें गई पैक, अब टूटी फ्लैश हो गई ठीक। एक्चुअल में वो इसकी डिज़ाइनिंग है, टूटी हुई फ्लैश नहीं है, डिज़ाइन ऐसा है कि जब फ्लैश के अंदर बैटरी पूरी तरीके से फिट हो जाएगी तब ये फ्लैश आपको चारों तरफ से ऐसी लगेगी कि ये पूरी पैक है। अब इसको हम करेंगे ऑन, आवाज आई, मतलब वो जो ट्यूब वर्किंग कर रही थी। 128 मेन्यू, अच्छा इसका LCD पैनल पहले से कुछ अलग है, राउंड हेड, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी देखो वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कैसी होगी, बट जब इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं साइड पे, क्योंकि कंपनी ने हमें एक चीज़ और दी है तो कुछ अजीब सा लुक लग रहा है, हंसी वाला, देख के हंसी आ जाए। हाँ, AKR1, ये पूरी एक किट है, इसके अंदर डोम डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र प्लेट, फोर विंग रिफ्लेक्टर, बाउंस ग्रिड, हनीकॉम, मतलब शायद गछत्ते वाली मक्खी का जो वो होता है, वो नहीं, एक उसी जैसा इक्विपमेंट आता है जिससे हम लाइट को काटते हैं। कलर फिल्टर्स, स्नूट, पोर्टेबल बैग, ओके ये भी देखते हैं। बॉक्स की जरूरत नहीं है ना, अपने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी पैकिंग, आप देख रहे हो, अब ये दे दिया, लगेगा कैसे। सबसे पहले ओ नॉर्मल, ये क्या है अभी तक नहीं पता, ट्राई करेंगे पता लगेगा।
ये पता लग रहा है ये हमारा डिफ्यूज़र है, ये लगाएंगे कैसे? इसमें लगाने के लिए कुछ दिया नहीं है। मे बी ये मैग्नेटिक हो सकता है, हाँ मैग्नेटिक देख रहे हो आप, इसमें चार मैग्नेट लगे। ये चीज़ के बाद अब मुझे जो लग रहा है, अगर वो चीज़ इसमें हुई, दोस्तों हम कोई भी फ्लैश लेते हैं, हम अपनी लाइट के साथ क्रिएटिविटी या मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल एसेसरीज लेते हैं। लाइक इसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो खाली एसेसरीज बनाती हैं। आपने मेरी वीडियोस में ही देखा होगा कि मैंने फ्लैश के डिफ्यूज़र में फ्लैश की लाइट के साथ प्ले करने के साथ मैगमोड की एक वीडियो बनाई थी। और दोस्तों हनीकॉम, मैं इसके ऊपर कुछ लगा के इसको लगा था, वो सब निकल गया। आपका डायरेक्ट ये हनीकॉम लग रहा है, डायरेक्ट आपका डिफ्यूज़र लग रहा है। और ये काफ़ी एक लो बजट में हमें मिल रहा है फ्लैश के साथ में। हनीकॉम्ब हो गया, डिफ्यूज़र हो गया, और क्या है ये, खुलने के बाद काफ़ी अजीब लगेगा। वैसे बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है, हाथ से टच एंड फील में आपको एक मस्त फीलिंग आएगी जब आप इसे लोगे। वाओ, ये तो अगर आपको कोई लाइट को शेप भी देनी है या कुछ भी करना है आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अभी हम इसको रखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने देखी नहीं है। एक और नई चीज़, ये कैसे उल्टा, शायद ये कुछ इसमें दिक्कत है। चलो इसको हम थोड़ा आराम से देखेंगे। अभी ये चीज जो सबसे मेन, इसमें फ्लैश कहाँ लगेगी? हाँ डिफ्यूज़र, आप मैग मोड का लो, उसके लिए पहले आपको ग्रिप लगानी पड़ेगी, ग्रिप के ऊपर आप उसे लगाओगे तब जाके काम करेगा। पर ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और अब जो सबसे मेन, जो आपको कुछ भी लाइट के साथ क्रिएटिविटी करने का देता है, वो है आपका स्नूट। इस पे कुछ लिखा है, वार्निंग द प्रोडक्ट विल इमिट सिलिकॉन रबर फ्लेवर, हार्मलेस टू ह्यूमन बॉडी, ड्यूरिंग फायरिंग प्लीज डू नॉट स्मेल इट। मतलब कि ये थोड़ी सी खतरनाक आइटम है, जब भी आप फ्लैश फायर कर रहे हो उसकी हीट से जो ये सिलिकॉन है इससे कुछ गलत हो सकता है फॉर ह्यूमन बॉडी, तो इससे दूर रहना, स्मेल मत करना स्पेशली लिखा है। काफ़ी अच्छा है। देखो दोस्तों ये तो था इसका जो बॉक्स में आया, हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी ट्रिगर के साथ सिंक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके मेन जो है, सबसे मेन आज के टाइम में, जैसे कि आप देख रहे हो कि आप लाइट के साथ फोटोग्राफी, मेरे अकॉर्डिंग जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है फोटोग्राफी पेंटिंग ऑफ लाइट। हम लाइट की पेंटिंग क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी हेल्प करता है कैमरा। तो कई बार हम ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे हमें अपनी खुद की लाइट यूज़ करनी पड़ती है। वो आपकी कुछ भी हो सकती है, एडिशनल लाइट सोर्स आपकी एलईडी लाइट भी हो सकती है, बट फोटो में मैक्सिमम पीपल चाहते हैं कि उनके पास लाइट तभी आए जब वो फोटो खींचे, बिकॉज बहुत से एक रीज़न होते हैं, क्योंकि वीडियो की कॉन्स्टेंट लाइट आज के टाइम में जो है वो बहुत अच्छी है, फिर भी फ़ोटो के लिए हमेशा स्ट्रोब लाइट, फ्लैश लाइट, इन्हीं को सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी लाइट को कांस्टेंट किसी भी जगह पर डालना है, आप ग्रिड के थ्रू भी डाल सकते हो। अगर आपको ग्रिड के थ्रू नहीं डालनी तो ये स्नूट ये बेस्ट है। कहीं पे भी आपको इसका एक राउंड देना है लाइट का, तो आप इसके थ्रू दे सकते हो। एक बार तो आप इसको कंट्रोल करोगे अपनी स्पीड से, अगर फिर भी वो राउंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल करोगे अपनी शटर स्पीड से। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर आई बटन प्रेस करो कि फ्लैश के साथ, कैमरे के साथ कैसे काम करना है, लाइट को कैसे कंट्रोल करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि मैंने सब कुछ बताया, बस एक लास्ट चीज़ रह गई थी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी ये क्या है, बट ये कन्फ्यूज़न नॉर्मल है। ये आपका एक मतलब फ्लैप हम लेते हैं अलग अलग कंपनियों के, कोई खरीदते हैं प्लास्टिक के, उनका से बांधते हैं, जैसे आप नीचे करते हो उसके वजन में फ्लैश नीचे आ जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पर लगाते हो, ये थोड़ा सा मेरे से गलती से उल्टा पिट हो गया है, इधर होना चाहिए था, तो इसके वजन में फ्लैश नीचे नहीं आएगी। कुल मिला के ये है, यहाँ से आपकी फ्लैश जाएगी
आप इसको ऐसा रखोगे तो फायर करके नीचे आएगी अगर आप ऐसे भी रखते हो। तो दोस्तों ये था हमारा गोडोक्स V1 फ्लैश को लेकर कि इसके अंदर क्या क्या आता है। बहुत जल्दी मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसका यूज़ बताएंगे। तो दोस्तों दोबारा फिर से मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, इस गोडोक्स फ्लैश और इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं गुजरात फोटोवुड्स, गांधी रोड, विनोद लाल मयानी। तो उनका नंबर मैंने पहले भी दिया था और डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा, उनका एड्रेस मिल जाएगा। आपको कोई भी सामान फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के रिगार्डिंग लेना हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं उचित रेटों पे। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप खाली फ़ोन पे भी उनके साथ डील कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।